इनेलो पार्टी का घरेलू विवाद इन दिनों चर्चाओं में है। चाचा भतीजा अलग अलग मंच पर नजर आ रहे हैं। भले ही पार्टी के अनुशासन के मद्देनजर दुष्यंत चौटाला मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज दुष्यंत चौटाला के यमुनानगर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और जैसे ही वो मंच पर पहुंचे तो नीचे से सीएम आया के जोरदार नारे लगे। वहीं इनेलो द्वारा जारी नोटिस को लेकर झलका दुष्यंत का दर्द। नोटिस पर मंच से बोले दुष्यंत चौटाला कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसने संगठन को तोड़ने का काम किया। यमुनानगर पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा उन्हें जो नोटिस दिया गया है और उस नोटिस की जो शब्दावली थी, मुझे नहीं लगता कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा लिखवाई गई थी। उस नोटिस में लिखा गया था कि मैंने संगठन को तोड़ने का काम किया और गैर संगठित ताकतों के साथ मिलकर यह कार्य किया। मुझे याद है 2009 और 10 के अंदर इनको के स्थापना दिवस जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने यहां आना था, इसी पावन धरा के अंदर मुझे आने का मौका मिला और निरंतर उस समय से आज तक जब जब पार्टी द्वारा जिम्मेदारी लगाई गई तब तब मैंने आपके बीच में आने का प्रयास किया और कभी भी जितना मुझे विश्वास है कि ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे संगठन के ढांचे को तोड़ने का काम किया गया। और उस नोटिस की शब्दावली थी जो मुझे नहीं लगता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा लिखवाई गई। उस नोटिस में लिखा गया था कि मैंने संगठन को तोड़ने का प्रयास किया और गैर संगठित ताकतों के साथ मिलकर कार्य किए। मुझे याद है 2009-10 के अंदर इनसो के स्थापना दिवस जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आपके बीच में आना था, इसी पावन धरा के अंदर मुझे आने का मौका मिला और निरंतर उस समय से आज तक जब जब पार्टी द्वारा जिम्मेवारी लगाई गई तब तब आपके बीच में आने का मैंने प्रयास किया और कभी भी जितना मुझे विश्वास है ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसने संगठन के ढांचे को तोड़ने का काम किया। आज जो ये 14 साल का वनवास है, इस वनवास को हम सब मिलकर तोड़ने का पूरा करने का काम करें। चौटाला साहब के नेतृत्व को पहले से ज्यादा मजबूती। पर बुजुर्गों, युवा साथियों, एक चीज जरूर आपके साथ साझी करना चाहूंगा, लोग षड्यंत्र रच रहे, चक्रव्यूह बना रहे, उन लोगों के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग जो प्रयास करके हमें कमजोर करने का प्रयास कर रहे हो, आप लोग मन में ये विश्वास जरूर रखना कि रख दिया है तीर, रख दिया है कलेजा जालिमों के तीर पर, फैसला चूक कर लिया आसमान छूने का, बादलों को चीर कर दिया। जीवन में एक चीज सीखी है डॉक्टर साहब, उन्हें जो पद यात्रा करी थी वो संघर्ष था जिसके अंदर 36 विधानसभा क्षेत्रों में डॉक्टर जयसिंह चौटाला जी गए थे। हौसले को इसी तरीके से मजबूत रखने का आप सब काम करो, इसी मेहनत के साथ लगन के साथ संतुलित होकर आगे बढ़ने का काम करो। मजबूत और अच्छा समय आगे आने वाला है और ये विश्वास भी आपको रखना पड़ेगा। चौटाला साहब इस परिवार के, इस पार्टी के मुखिया, हमारे घर के मुखिया हैं, आप सब उनके सम्मान में तो 1% कभी भी ना आने दें। ये हमारी जिम्मेवारी बनती कि उनके हौसले को पहले से भी हम सवाया करने का काम करें, उनके सम्मान को सवाया करने का काम करें। और बुजुर्गों, युवा साथियों, फैसला कोई भी आए, निर्णय कोई भी पार्टी लेने का काम करे, उसका मैं स्वागत करूंगा। और मैं आपको एक चीज जरूर दोबारा बोलकर जाऊंगा कि अगर नारे लगाना, अगर अनुशासन तोड़ना है तो युवा साथियों एक जोरदार नारा चौधरी देवीलाल जी का लगाने का काम करो।